सो मेघालय प्लेट्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वेयर इज मेघालय प्लेट्यू लोकेटेड. इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट. नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मेघालय एक स्टेट है, वहां पे ये एक प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट एंड नियर टू द पूर्वांचल. पूर्वांचल क्या है? पूर्वांचल मेघालय प्लेट्यू के राइट साइड में लाई करता है. ये आपको मैं मैप में शो करूंगा, तो आप उसको देखिएगा कि हाउ पूर्वांचल इज सेपरेटेड थ्रू द मेघालय प्लेट्यू. देन ओनली यू विल बी क्लियर विद द विजन. आपको तब क्लियर होगा कि कैसे मेघालय प्लेट्यू और पूर्वांचल एक दूसरे से लिंक्ड है. बेसिकली पूर्वांचल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय सीरीज. जो हिमालय की रेंजेज हैं उसका एक एक्सटेंशन है जो कि लास्ट पार्ट तक खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड पूर्वांचल. आई विल डिफाइन यू पूर्वांचल इन द लास्ट एट द लास्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट एंड इट इज नियर टू द पूर्वांचल. पर पूर्वांचल के पास तो है वो, पर इट इज नॉट, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये माना जाता है कि जो मेघालय प्लेट्यू बना है ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है. पेनिनसुलर तो आपको पता ही है कि जो सदर्न पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जब जियोलॉजिकली ये तीनों चीज़ें टकराई थी, अपने अपने लैंड मासेस टकराए थे, गोंडवाना जब ब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसी का ये एक एक्सटेंशन माना जाता है मेघालय प्लेट्यू. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल बट इट लाइज नियर टू द पूर्वांचल. दिस यू शुड बी क्लियर. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेघालय प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. मैं इस बात को आपको बहुत जोर देके बोल रहा हूँ, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्लेट्यू इज कि इसके अंदर कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं. इसको आप लाइन से याद कर सकते हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स. आई रिपीट, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स. ये जो तीनों हिल्स के नाम रखे गए हैं ये किसके ऊपर रखे गए हैं? उनके रीजन के ट्राइब्स के ऊपर रखे गए हैं. आपको ये पता है कि जो मेघालय है, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पे खासी करके एक ट्राइब है जो कि रहती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या नाम रखा गया है? खासी हिल्स. अब एक बात मैंने आपको क्या बोला कि जो मेघालय है, दैट यू कैन सी इन द मैप एज इट इज शोन, कि जो मेघालय है और जो पूर्वांचल है वो दोनों के बीच में क्या है? जैसे मान लो ये मेघालय, सी सपोज दिस इज अ मेघालय एंड दिस इज अ पूर्वांचल. सो देर इज अ स्पेस बिटवीन, देर इज अ स्पेस बिटवीन मेघालय एंड द पूर्वांचल. तो इस मेघालय और इस पूर्वांचल के बीच में भी कुछ रेंजेस हैं. उनके नाम क्या है? एक तो है माइकर रेंज, एक रेगमा रेंज और एक बैरल रेंज. सो बिटवीन मेघालय एंड पूर्वांचल देयर आर सम रेंजेस विच इज नोन एज माइकर रेंज, रेगमा रेंज, बैरल रेंज. सो दीज रेंजेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेघालय, नॉट पूर्वांचल. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो तीनों रेंजेस हैं मेघालय और पूर्वांचल के, इसको भी किसका कंसिडर किया जाता है पार्ट? मेघालय प्लेट्यू के ही कंसिडर किया जाता है, पूर्वांचल का कुछ भी नहीं है. और एक जो रिवर है कापिली रिवर, वो क्या करती है? उसको सेपरेट करती है किसको? माइकर रेंज को, रेगमा और बैरल को मेघालय प्लेट्यू से. क्योंकि एक मेघालय प्लेट्यू के राइट साइड में ये लाई कर रहे हैं ना माइकर रेंज और ये सारी रेंजेस. इन रेंजेस और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक रिवर फ्लो करती है, इसको क्या कहते हैं? कैपिली रिवर. ये मैंने आपको सारे बीच में आई एम शोइंग यू द मैप वर्क, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेशन, आई विल क्लियर इट मोर. ओके, सो दिस इज हाउ इज द थिंग्स आर अरेंज्ड. नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमने ये बोला है कि जो मेघालय प्लेट्यू है, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पर अब तो ये सेपरेट हो गया, तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ इज द सेपरेशन बिटवीन मेघालय प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू. भाई सेपरेशन तो हो ही गया है, क्योंकि इतनी जियोलॉजिकली इतने ईयर्स हो गए, तो देयर आर सम टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट मूवमेंट्स, वट एवर. यहाँ पे क्या हो रहा है? सब कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन मेघालय प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू. कैसे हुआ है? एक तो मैं सबसे पहले आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन यू मोर. ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं? राजमहल गारो हिल्स. क्या बोलते हैं? राजमहल गारो हिल्स. राजमहल इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू और गारो हिल इज अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू. तो इन दोनों के बीच में जो गैप आया है, इसके वजह से मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू से बिछड़ गया. इस गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप. क्या बोलते हैं इसको? मालदा गैप. बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम द गैप जिसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द गैप बाय विच मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज कॉल्ड मालदा गैप. नाउ लेट अस लुक द आंसर. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू. सो नाउ यू शुड नो कि मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू से कैसे सेपरेटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है बीच में. अब हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू की एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिएगा. छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमने बताया है आपको कि राजमहल हिल्स पड़ता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में. छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक राजमहल हिल्स है और मेघालय के बीच में क्या है, मेघालय के यहाँ पे क्या है, गारो हिल्स सबसे पहले. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का राजमहल हिल्स और गारो हिल्स मेघालय का, इनके बीच में क्या हुआ, एक लैंड मास था जो कि क्या हो गया, सबमर्ज्ड. द लैंड मास बिटवीन द राजमहल एंड गारो हिल्स गॉट सबमर्ज्ड. तो एक छोटा सा लैंड मास क्या हुआ, सबमर्ज्ड हो गया, जिसकी वजह से गैप हो गया. तो ये जो लैंड सबमर्ज हुआ है और ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इसको बोलते हैं मालदा गैप, जिसके अंदर आज के टाइम पे गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ गारो खासी जयंतिया हिल्स आर नॉट वेरी हाई. अब जैसे कि हमने पढ़ा था और हिल्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर हाइट बहुत तेज़ हो, विंड बहुत तेज़ फ्लो आती है तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है. पर ये बोलता है कि जो गारो हिल्स है, खासी हिल्स है और जयंतिया हिल्स है, इनकी हाइट इतनी नहीं है कि ओरोग्राफिक इफेक्ट हम लोग देख पाए. तो भाई अगर ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं हो रहा है तो ये बात तो सबको पता है कि शिलोंग, चेरापुंजी और इन सब जगहों के अंदर तो बहुत हैवी रेनफॉल होती है. तो फिर व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हैवी रेनफॉल, लेट अस लुक. गारो खासी जयंतिया हिल्स आर नॉट वेरी हाई, दैट इज इट कैन गिव रेनफॉल, बट दैट इट कैन गिव रेनफॉल. इतने दे आर नॉट वेरी हाई, इतने बड़े नहीं है कि रेनफॉल दे दें, पर फिर भी उनका जो एलिवेशन का तरीका है उसके वजह से एक फनल इफेक्ट आता है, एक फनल इफेक्ट आता है विंड का, जिसके वजह से क्या हो जाता है, मेघालय के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल होती है. और मानसून साउथ वेस्ट विंड्स जो कि केरला मालाबार कोस्ट से एंटर करते हुए जाती है और वहाँ तक पहुँचती है, इट रीचेज अप टू अरुणाचल प्रदेश. कहाँ पे जाती है, अरुणाचल प्रदेश में. और ये भी आप बात ध्यान में रखना कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे खूब वाटर रेनफॉल होता है, पर क्योंकि मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे वाटर स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए ड्राई सीजन में उन लोगों को क्या करना पड़ता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है एंड दे हैव टू सफ़र फ्रॉम वाटर क्राइसिस बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी टू स्टोरेज द वाटर. तो एक रिकैप कर रहा हूँ आपके साथ दो मिनट का, प्लीज़ दो बातों का ध्यान रखिए. एक तो मेघालय प्लेट्यू जो है वो किसका एक्सटेंशन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, और वो किसके नियर में है, पूर्वांचल के नियर में है. मेघालय प्लेट्यू के अंदर तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स. और मेघालय और पूर्वांचल के बीच में कुछ रेंजेस लाई करती हैं जिनका नाम क्या है, माइकर रेंज, रेगमा रेंज, बैरल रेंज. और ये जो रेंजेस हैं ये क्या हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ मेघालय, पूर्वांचल की नहीं है. और एक हमने रिवर का नाम भी देखा था, क्या नाम था उसका, कापली रिवर, जो कि सेपरेट करती है मेघालय प्लेट्यू को इन रेंजेस के साथ. दीज ऑल फिगर्स, दीज ऑल रिवर्स हैव बीन शोन इन द मैप विच यू कैन सी ईजली. और हमने ये बात पढ़ी कि जो ये गैप है मेघालय प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं, मालदा गैप. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड एनीवेयर इन एनी यूपीएससी एग्जाम, इन एनी एग्जाम, यूपीएससी हो गया, सीडीएस के एग्जाम्स हो गया, आर्मी के, आपकी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस मेघालय प्लेट्यू वेरी ईजली एंड नोटेड डाउन. आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन सबके नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करें एंड प्लीज़ मेक अ गुड नोट्स ऑफ इट. आई हैव मेड दीज नोट्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज, सो आपके पास प्रिपेयर्ड मटीरियल मिल रहा है, प्लीज़ डू जॉट डाउन इट. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल.